दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपके फ़ोन के अंदर जो भी नंबर आपने सेव किए थे, ठीक है, वो नंबर यहाँ पे सेव तो हैं, यानी कि नंबर तो शो हो रहे हैं लेकिन उनका नेम शो नहीं हो रहा है जिस नेम से आपने सेव किए थे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से लिखे आ रहे हैं यहाँ पे और बिल्कुल भी यहाँ पे नेम से शो नहीं हो रहे होंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा। 2 से 3 सेटिंग करनी है आपके मोबाइल के अंदर, जो भी सेटिंग होंगी वो थोड़ा आपने ख़राब कर ली होंगी, धोखे से हो गई होंगी, आपको पता भी नहीं होगा कैसे आपने की होंगी। तो इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, देखो ठीक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल की सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा यूज़र एंड अकाउंट का ऑप्शन, ये देख सकते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, यूज़र एंड अकाउंट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी आपकी जीमेल आईडी होगी, ठीक है, एक से ज़्यादा होंगी तो यहाँ पे एक एक करके करना है सभी का, ठीक है, जैसे कि मेरे फ़ोन में एक ही है तो उसमें मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन है, ये आपका ऑफ हो सकता है तो इस पर आपको क्लिक करना है। और ये देख सकते हैं सिंक वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑन हो, यहाँ पे इस तरीके से होने लगेगा और ये इस तरीके से टिक लग जाएगा, ठीक है। ये आपको एक एक करके ईमेल आईडी पे करना है अगर आपके फ़ोन में एक से ज़्यादा है तो, ठीक है, जैसे मैंने एक पे करके दिखाया क्योंकि मेरे फ़ोन में एक ही है, तो इस तरीके से बैक करना है। एक तो सेटिंग ये करनी है, दूसरी सेटिंग आपको क्या करना है, आपको मोबाइल की सेटिंग में रहना है और यहाँ पर आपको ढूंढना है ऐप मैनेजमेंट या फिर ऐप्स, ठीक है, वहाँ पे आपको टैप करना है जैसे कि इस फोन के अंदर ऐप लिस्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे सर्च करना है फोन, ये देख सकते हैं इस तरीके से ऊपर आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखो परमिशंस का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपकी परमिशन है वो कॉन्टैक्ट की परमिशन डेनेट हो चुकी होगी, डोंट हो चुकी होगी, तो इसे आप इस तरीके से अलाउ कर दीजिए। अलाउ मैंने कर दिया है, अब यहाँ से बैक जाऊँगा, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देख सकते हैं इस तरीके से ये नंबर था, ये देख सकते हैं यहाँ पे नेम शो हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम से भी नंबर आने लगे हैं। तो ये 2 सेटिंग कर लीजिए, उसके बाद आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके भी ऑन कर सकते हैं, तब भी प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है। तो फिलहाल लेता हूँ विदा।